कोरोना महामारी का दौर जारी है। इधर राज्य के लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किए जाने को लेकर पोषण महीने की शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत राज्य के सभी प्रखंडों के लोगों को जागरूक करने के साथ पोषक खाद्यान्न भी उपलब्ध कराने के अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इधर जमशेदपुर जिला मुख्यालय से भी समाज कल्याण विभाग की ओर से दोनों अनुमंडलों के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में जागरूकता संदेश पहुंचाने के साथ लोगों को पौष्टिक खाद्यान्न भी उपलब्ध कराएगी। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगी। पोषण रथ को आज रवाना किया गया। ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जारी रहेगा। सभी प्रखंड में भ्रमण कार्यक्रम है, दोनों अनुमंडल के सभी प्रखंड में, और इसका मेन उद्देश्य है हम भारत को स्वस्थ बनाएं, बच्चों को स्वस्थ बनाएं, महिलाओं को स्वस्थ बनाएं। यहाँ से हम जितना तरह का जो हमारा मलेरिया और डेंगू और छोटा छोटा जो दिक्कत होता है, सारा चीज को हम लोग को खत्म करना है, और उसके लिए जागरूक करने के लिए रथ चालू किया गया है। और फिर हम लोग इस पर निगरानी भी रखेंगे और इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार ये करेंगे। बच्चों को खाने के लिए खास व्यवस्था समाज कल्याण की ओर से किया जा रहा है, जो पौष्टिक और गुण आधारित रहेगा।